आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले में डूबने से बच्चों की मौत की घटनाएं आए दिन हो रही है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। शुक्रवार शाम करीब 4:45 बजे सागोद ग्राम में तलावड़ी में 3 बच्चों की डूबने से मौत की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक सागोद गांव से हरथली गांव जाने वाले रास्ते में बने एक तालाब में 2 सगी बहनें और एक मामा की लड़की अपनी दादी के साथ नहाने गई। दादी फूलीबाई हौद में कपड़े धो रही थी, इसी बीच तीनों बहनें डूब गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मासूम बेटियों को जिला अस्पताल भेजा। इस समय एक लड़की की सांस चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में स्ट्रेचर और वार्ड बॉय नहीं होने से मीडिया ने ही मदद की। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया, ये एक सागोद गांव से एक हरथली गांव जाने का एक रास्ता है, वहाँ पर एक तालाब है। तो रामगढ़ की 3 बच्चियाँ हैं जो अपनी दादी पूनीबाई मुनिया के साथ में आज नहाने गई थी। वहीं तालाब के पास में एक सीमेंटेड हौद बना हुआ है, तो इनकी दादी तो हौद में कपड़े धोना और ये कर रही थी, लेकिन ये तीनों बच्चियाँ जो 2 सगी बहन हैं और एक इनकी भानेज है, तो ये लगभग उम्र इनकी 12, 14, 15 साल की हैं। तो ये वहाँ तालाब में नहाने चली गई, तो वहाँ इनकी डूबने से डेथ हो गई है इनकी तीनों बच्चियों की। कहाँ की रहने वाली थी? ये रामगढ़ है, काला भेरू रोड पर रामगढ़ है, वहाँ की रहने वाली है। जी मौके पे डेथ हो गई तीनों की? जी एक की सांस चल रही थी, तो उसे मैंने तत्काल हमारे थाने की गाड़ी में हमने भिजवा दिया था, तो यहाँ पर आके लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार के दोपहर को प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चला। एसडीएम संजीव पांडे के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ बड़बड़ रोड स्थित राजबाग क्षेत्र पहुंचे। प्रशासन ने राजबाग के मकान नंबर 207 पर कार्रवाई की। ये मकान दिलीप मालू का है, जिन पर 22 पुलिस प्रकरण होने की बात सामने आई। बताया जाता है दिलीप मालू सट्टे के कारोबारी है। प्रशासन ने जैसे ही जेसीबी का पंजा मकान पर लगाया, परिवार की महिलाओं ने विवाद करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी और पुलिस ने महिलाओं का हाथ पकड़कर बाहर कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने बताया, अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई है, क्या है इसमें मैं बताना चाहूँगा। ये थाना औद्योगिक क्षेत्र दिलीप पिता कन्हैयालाल मालू है, ये व्यक्ति है, इनके 22 से ज़्यादा अपराधिक प्रकरण है जुड़े सत्ते के मामले की और शासकीय कार्य में। तो आज नगर निगम के द्वारा इसमें जो इनकी अवैध निर्माण है कार्रवाई की गई, इसमें सहयोगार्थ सुरक्षा प्रिंसिपल लगाए उसके साथ में लॉ एंड ऑर्डर के कार्रवाई। माणक चौक पुलिस ने गुरुवार को कसारा बाजार में दबिश देकर सट्टा अंक लिखते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों का पुलिस ने जुलूस निकाला और उन्हें मौके से थाने तक पैदल ले आया। उनके कब्जे से हजारों रुपए के सट्टे के हिसाब की पर्ची, 2 मोबाइल फोन, हजारों रुपए जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि कसारा बाजार क्षेत्र में कुछ लोग सट्टे का कारोबार संचालित कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी अनुराग यादव के नेतृत्व में दल ने वहां जाकर दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपित दाऊद पुत्र नासिर निवासी अशोक नगर, फिरोज पुत्र सलमान मोहम्मद निवासी अर्जुन नगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रुपए और सट्टा पर्ची आदि जब्त की गई। कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहा सट्टे का कारोबार। पुलिस द्वारा जिले में सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कुछ आदतन सटोरियों को जिला बदर भी किया गया, इसके बाद भी सट्टे के कारोबार पर अंकुश नहीं लग रहा। सट्टा करने वाले पुलिस से बचने के लिए घरों में बैठकर मोबाइल फोन से भी सट्टा कर रहे हैं। दीनदयाल नगर पुलिस ने 29 अगस्त को बाजना बस स्टैंड से आरोपित संजय देवड़ा को गिरफ्तार कर उसके पास से सट्टा अंक लिखी 2 पर्ची, 545 रुपए। पिपलोदा पुलिस ने ग्राम पंचेवा का यात्री प्रतीक्षालय के पास से शहजाद खान निवासी ग्राम भाटखेड़ी को 400 रुपए और सट्टा सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि दबिश देने गए दल का शासकीय वाहन खराब हो गया था, इस कारण आरोपित को पैदल थाने लाया गया। सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। लगातार कसेरा बाजार में अवैध सट्टा संचालन की खबरें प्राप्त हो रही है, तो इसी तारतम्य में आज कसेरा बाजार में दबिश दी और 2 लोगों को मौके पर सट्टा करते हुए गिरफ्तार किया। उसमें एक फिरोज नाम का व्यक्ति है और दूसरा दाऊद नाम का व्यक्ति है। उनके पास से कुछ नकद प्राप्त हुआ है और हजारों का हिसाब मिला सट्टे का, उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई।
नगर सरकार का गठन होने के बाद भी वार्डों में आम जनता के काम नहीं हो पा रहे। नतीजतन अब फिर निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। एक सप्ताह पूर्व वार्ड क्रमांक 26 के निर्दलीय पार्षद उमार रामचंद्र डोई ने शुक्रवार को नगर निगम परिसर में रहवासियों के साथ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस वार्ड की जनता सिवरेज, प्रकाश, सफाई, जाम पड़ी नालियों सहित अन्य समस्याओं से जूझ रही है। पार्षद के कहने के बाद भी वार्ड में अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। निगमायक के नाम पार्षद ने 4 अलग अलग ज्ञापन सौंप कर अभी भी काम शुरू नहीं होता है तो धरना और फिर 3 महीने बाद निगम परिसर में आत्मदाह तक करने की चेतावनी दे डाली। पार्षद पति रामचंद्र डोई ने बताया, हम वार्ड नंबर 26 से आए हैं पार्षद कुमार रामचंद्र डोई के नेतृत्व में। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है। सीवरेज के कर्मचारियों को हमने कई बार बताया और स्वयं मैंने आयुक्त को बताया कि सीवरेज वाले सीवरेज नहीं सुधार रहे हैं और उसका गंदा पानी रोड़ों पर बहने के बाद में ट्यूबवेलों में जा रहा है और नलों के में भी जा रहा है, जिससे मेरे वार्ड में गंदा पानी आ रहा है नलों में और बदबूदार पानी आ रहा है। यहाँ से आयुक्त महोदय ने उसको बोला तो वो आया, लेकिन मेरे को आश्वासन देके कि कल सुधार देंगे, लेकिन आज तक नहीं सुधारी है और आज भी मेरे वार्ड में सीवरेज का गंदा पानी बह रहा है। मैं उमा रामचंद्र रॉय का पति हूँ और ये उमा रामचंद्र रॉय पार्षद है। निर्दली होने के कारण हमारे वार्ड पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अभी महापौर से भी मिलने को आए थे, लेकिन महापौर साहब भी यहाँ उपलब्ध नहीं है और नहीं आयुक्त महोदय यहाँ उपलब्ध है, जबकि मैंने उनके व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल डाल रखी है कि हम 2 तारीख को, अगर पूर्व में भी इस विषय में मैंने ज्ञापन दिया था आयुक्त महोदय को, मेरी मिसेस कुमार रामचंद्र डोई ने स्वयं आकर, लेकिन उन्होंने अभी तक उस बात को, 15 से 20 दिन हो गए लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात पर कोई गौर नहीं किया। पहली समस्या हमारी ये है। दूसरी समस्या हमारी वार्ड की है कि हमारे वार्ड में कम से कम 8 से 10 नलकूप ऐसे हैं जिनमें मोटरें फंसी हुई पड़ी है, कोई तो 2-2 साल से, कोई 6 महीने से और कोई 1 साल से पड़ी है। हमने यहाँ पर शिकायत करने के बाद, यहाँ का कर्मचारी मोहन है जो कहता है, हमें ध्यान देता है कि मीठा पानी तो मिल रहा है ना, अरे भाई मीठा पानी मिल रहा है तो उसके पैसे ले रहा हो और तीसरे दिन मिल रहा है, लेकिन बाकी समय में जब नलकूप खनन है वहाँ और नलकूप चालू है लेकिन वो बंद हो चुके हैं तो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने इसकी शिकायत CM नेहम लाल में करने के बावजूद भी 1 माह हो गया, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो अवैध कॉलोनी है उन्हें अवैध की जाए और उनका जो अभी लिस्ट इन्होंने ओपन की है उसमें हमारी कॉलोनी रत्नेश्वर रोड और बसंत कॉलोनी का नाम नहीं है तो उन्हें उसमें दर्ज किया जाए और इनको वो सारी मूलभूत सुविधाएँ दिलाई जाए। और तीसरा चौथा हमारा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रीट लाइट वाले अली नाम के ठेकेदार है या उसका कर्मचारी है, उसको हम बार बार, मैं खुद और मेरी मिसेस ने उनको बार बार फ़ोन करा और मेरे वार्ड की कई लाइटें बंद है। अभी जबकि गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है तो हिंदू त्यौहारों पर ही क्यों ये लाइटें बंद रखते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्या? तो हमारा वार्ड निर्दलीय होने से क्या हमारी समस्या नहीं सुनी जाएगी? अगर मैंने ये 4 समस्या अभी इनको बताई है और एक हमारे वार्ड के भाई का प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आने के बावजूद उसको आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये अवैध कॉलोनी में आने से इसको लाभ नहीं दिया जाएगा, तो इस प्रकार से कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं मेरे वार्ड में। तो अगर मैंने आज इनको आयुक्त महोदय को घेरने के लिए आए थे लेकिन आयुक्त महोदय नहीं मिले तो इसलिए हमने ज्ञापन दिया है और इनको चेतावनी दी है कि अगर अब भी मेरे वार्ड पर ये सही ढंग से मूलभूत सुविधा नहीं मिली तो मैं खुद यहाँ पर नगर निगम के आयुक्त के कमरे के सामने सारी मोहल्ले की जनता के सामने यहाँ पर धरना दूंगा और अगर फिर भी नहीं सुनी तो मैं रामचंद्र डोई खुद 3 महीने बाद इस नगर निगम गेट के सामने आत्मदाह करूँगा।
जिले में नागदा हादसे से सबक लेते हुए स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस हिमालय इंटरनेशनल स्कूल और नोबल स्कूल की बसों का फिटनेस परीक्षण किया गया। 7 बसों में स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होने पर इनका फिटनेस निरस्त कर चालानी कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक डीएसपी ने बसों में बैठकर इनका स्पीड और फिटनेस टेस्ट किया। संयुक्त कार्रवाई में 45 स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई। बीते दिनों ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूल वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया था। इसके बाद आज स्कूल बसों और वाहनों की भी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान डीएसपी ट्रैफिक और आरटीओ ने स्वयं बसों में बैठकर स्पीड टेस्ट और फिटनेस टेस्ट लिया। हिमालय इंटरनेशनल स्कूल और नोबल स्कूल की 7 बसों में स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होने पर फिटनेस निरस्त करते हुए चालानी कार्रवाई भी की गई। कलेक्टर के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी ने स्कूल बसों की चेकिंग कर कार्रवाई भी की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्कूल की बसों में यदि स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए थे तो जिला परिवहन कार्यालय से इन बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल गया। वहीं हर बार हादसों के बाद की जाने वाली खानापूर्ति के बजाय जिला परिवहन का विभाग स्कूल वाहनों को फिटनेस जारी करते समय ही सभी मापदंडों का ध्यान रखे तो स्कूल वाहनों से होने वाले हादसों में कमी लाई जा सकती है। आरटीओ दीपक मांझी ने बताया। बाल संरक्षण आयुक्त श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं एसपी सर के आदेश पर आज स्कूल बसेस का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। इसमें हमने आज 2 स्कूल्स, हिमालय स्कूल और नोबल स्कूल महू रोड पर चेकिंग कार्रवाई की, जिसमें सारे बसेस जो वहां ऑपरेट हो रही थी उनकी चेकिंग की। इसमें काफ़ी कमियां पाई गई हैं। सीसीटीवी कैमरा और स्पीड गवर्नर, इन सब की कमियों के कारण 7 वाहनों के हम लोगों ने फिटनेस मौके पर ही निरस्त किए हैं। साथ ही चालानी कार्रवाई भी की है। एक बस बिना परमिट होने पर नोबल स्कूल की जो है उसको जब्त कर अभिरक्षा में रखा है। साथ ही जिन गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगे हुए थे उनकी भी स्पीड मेरे द्वारा, स्वयं के द्वारा गाड़ी चलवाकर चेक की गई, वो भी 40 की स्पीड से एक्सीड हो रहा था, तो उसको भी हमारे द्वारा उसकी फिटनेस निरस्त कर दी गई है। साथ ही वहाँ के ड्राइवर्स को नियमों के विषय में और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके विषय में समझाइश दी गई है और उनकी भी काउंसलिंग की गई है। साथ ही दोनों स्कूल्स को 7 दिवस का एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनको सारी जो फॉर्मेलिटीज और दिशा निर्देश हैं उनको पालन करने हेतु समय सीमा दी गई है। 7 दिवस के अंदर अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उन पर और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। शहर की ध्वस्त होती यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए निगम आयुक्त ने यातायात डीएसपी के साथ शहर का मौका मुआयना किया। निगम आयुक्त ने शहर सराय, राम मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर दुर्घटनाओं के पॉइंट्स देखे और कुछ दुकानों के अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। राम मंदिर क्षेत्र में यातायात का अधिक दबाव बना रहने से इस क्षेत्र में यातायात ट्रैफिक सिग्नल लगाने का निर्णय लिया गया। निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत ने बताया। राम मंदिर चौराहे पे लगातार जाम लगने जैसी स्थितियां निर्मित होती रही हैं, उसी को लेकर आज जो है एसओपी ट्रैफिक और नगर निगम का पूरा अमला जो है यहाँ पर इसको देखने के लिए आया है। तो प्राइमर फेस ये देखने में समझ में आया, एक तो हमने शहर में 3 स्थानों पे ऑलरेडी ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव दिया था, तो इस स्पॉट को भी ट्रैफिक सिग्नल के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं। दूसरा जो है दोनों स्थान पर लेफ्ट हैंड डेवलप कर रहे हैं, ताकि लेफ्ट हैंड डेवलप होगा तो अनावश्यक लाइन नहीं लगेगी और जिसको इधर से इस तरफ जाना है, मतलब जिसको कस्तूरबा नगर तरफ मुड़ना है वो सीधे सीधे मुड़ जाएगा, तो ट्रैफिक थोड़ा हमारा व्यवस्थित होगा। कितने चौराहे हैं जिससे आप देखा? प्राइमर फेसी अभी तो जो है अभी हमारे 232 स्क्वायर पे, मतलब जो DRM ऑफिस वाला है, लोकेट ऑफिस स्क्वायर जो है वहाँ पर, और इसके अलावा एक और अपना सेना बस स्टैंड के ऊपर 3 जगह पे अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक दो चौराहे और चिन्हित कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ पर करेंगे। 2 के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे 2 दोस्त सड़क हादसे के शिकार हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे देर रात इंदौर रेफर कर दिया गया। खबर के मुताबिक 2 दोस्त बर्थडे पार्टी मनाकर रात करीब 10:45 बजे वापस घर लौट रहे थे, तभी सालाना रोड से साक्षी पेट्रोल पंप के पास बाइक रोड डिवाइडर से टकरा कर सड़क पर गिर गए। हादसे में बड़बड़ रोड स्थित मोहन बाग निवासी विकास पिता मोहन लाल गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके दोस्त लोकेंद्र निवासी सुभाष नगर के मुंह और कान से अधिक खून निकलने से मौत हो गई। खबर के मुताबिक 18 वर्षीय विकास लक्ष्मण पुरा में
दूध डेयरी चलाता है। विकास को इंदौर रेफर किया गया। बताया जाता है शहद पार्टी में शराब का भी सेवन किया गया था। मामले की सूचना मिलते ही परिजन सहित मित्र जिला अस्पताल पहुंच गए। भीड़ में परिजन लोकेंद्र को मारने की बात कहते रहे। कोट तेराहे स्थित छतरी पुल पर फूटी निगम की पाइपलाइन से सैकड़ों लीटर पानी बहकर सड़कों की भेंट चढ़ गया। पानी बहने से ये सड़क मिनी स्विमिंग पूल बन गई। हर तरफ पानी ही पानी होने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। अचरज की बात तो ये है कि सूचना मिलने पर भी निगम कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे और पानी का अपव्यय होता रहा। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, एक तरफ रहवासियों को पीने का पानी नहीं मिलता, दूसरी तरफ इस तरह बहने वाले पानी का अपव्यय होना निगम की उदासीनता ही उजागर करता है। यहाँ पर लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है और फिर भी यहाँ पानी का अपव्यय हो रहा है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए जिम्मेदारों को, इसको बंद कराना चाहिए। कब से बहरा ये पानी? इस समय काफी समय से बहरा है। समय तो एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ काफी समय से बहरा है। अजाक थाना पुलिस ने पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में एडवोकेट कैलाश व्यास, एएसपी सुनील पाटीदार ने संबोधित करते हुए पुलिस को ऐसे वर्ग के प्रति संवेदनशील होने और संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। सेमिनार में कहा गया कि कानून के साथ कमजोर वर्ग के उत्थान के साथ पुलिस को संवेदनशील होकर कमजोर वर्ग के साथ न्याय करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे दिन प्रतिदिन अलग अलग विभागों की तरफ से या न्यायालयों की तरफ से जो परिपत्र या न्यायालयों के जो आदेश होते हैं, उन्हें हमें ज्ञात हो और उन ज्ञात आदेशों का पालन हम हमारी विवेचना के दौरान करें। अगले दो दिनों में हमारे साथ चूंकि विद्वान पूर्व अपने डीपीओ साहब नहीं रहे हैं और आप लोगों का एक अपना लंबा अनुभव होता है न्यायालयिक प्रक्रिया में, हम लोग चूंकि अभियोजन इस साइड में होते हैं जहाँ इन्वेस्टिगेशन करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद न्यायालय में न्यायालय उसको किस दृष्टिकोण से देखता है और किन साक्ष्यों का किस तरीके से उनका मूल्यांकन करता है और सजा के दौरान उन किन साक्ष्यों की क्या भूमिका होती है और हम लोग हमारी प्रक्रिया के दौरान कहाँ चूक कर जाते हैं, वो ज्ञान की कमी के कारण हो सकती है या वो हमारी उस दृष्टिकोण से हमारे उस साक्ष्य को एकत्रित करते समय उसकी आवश्यकता को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हो। शहर में चल रहे गणेशोत्सव के दौरान जगह जगह मंगल मूर्ति की आरती की जा रही है। नया गांव क्षेत्र में स्थित साई मंदिर गणेशोत्सव समिति के बैनर तले चल रहे उत्सव में अतिथि सीमा टांग, पार्षद शक्ति सिंह की मौजूदगी में आरती की गई। अंजनी धाम कॉलोनी में अंजनी धाम समिति ने पूर्व पार्षद सीमा टांग के आतिथ्य में गणपति बप्पा की आरती की। राम मंदिर चौराहे पर मनाए जा रहे गणेशोत्सव में अखंड ज्ञान आश्रम के संत स्वामी श्री देव स्वरूपानंद जी के सानिध्य में आरती की गई। गणेश जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, शंभु सुत वारी कामना को पूर्ण करो, जय हो बलिहारी। जवाहर नगर मुक्ति धाम में स्थित मंदिर में भी आरती का आयोजन किया गया। सलाना बस स्टैंड स्थित अंबर नेटवर्क में भी आरती कर उत्सव मनाया जा रहा है।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।